ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति व्यक्ति की पार्टी नहीं है, और इस पार्टी का एजेंडा जो है वो सनातन की स्थापना, संस्कृति की स्थापना, राष्ट्र का वैभव, सांस्कृतिक राष्ट्र की स्थापना, गरीबों का हित, यही तो एजेंडा है। ब्राह्मण समाज तो हमेशा इसी के काम करता रहा है, इसलिए वो गौरवान्वित है। और आगे इस चुनाव में भी किसी जात पात का असर नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा 14 का चुनाव हुआ, जात का असर हुआ, 17 के चुनाव में जात का असर हुआ, और 19 में तो जात का गठबंधन बन गया था, लाठी हाथी 786। और हुआ क्या? जनता देश देख रही है, जनता मोदी जी का नेतृत्व देख रही है, उनकी नियत देख रही है, और विकास देख रही है। भारत आज श्रेष्ठ भारत हो गया, तो नहीं है संपन्न भारत है, भारत आज कमजोर भारत नहीं है, शक्तिशाली भारत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आम जन का विश्वास है, गरीब का विश्वास है, जात पात से ऊपर उठ पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी फिर से 350 के पार पहुंचेगी, और बाकी दलों को, व्यक्तियों को अपना अस्तित्व बनाना मुश्किल होगा। यादव को जो है बहु अनपढ़ना बीजेपी में जॉइन करेगा, इससे नुकसान फायदा नहीं। इससे है कि जो लोग जाति गठजोड़ बना रहे हैं, अब उनके परिवार में भी राष्ट्र सोचने वाले हो गए, देश सोचने वाले हो गए, मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाले हो गए। तो इससे आप समझिए कि देश में अब जात पात से ऊपर, परिवार उनके स्वयं के परिवार के अंदर भी जात से ऊपर उठ के भाजपा को महत्व देने वाले लोग हो गए। इसका लोग अनुकरण करेंगे, और जो मैंने कहा जात पात से ऊपर उठ करके लोग मतदान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी फिर बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस के बेटी हूँ लड़ सकती हूँ के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी एक पोस्टर जारी किया है, बेटी और बहू का, तो इससे क्या मतलब? ये आपकी कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के साथ ही श्रीमान मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके पहले बेटियों का अनुपात कम हो रहा था, गर्भ लोग गिरवा रहे थे, लेकिन आज लड़कियां पढ़ भी रही हैं, लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं। भाजपा ने इसको करके दिखाया, और भाजपा का अनुकरण कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जो है क्या भाजपा को नुकसान होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य फिर जीतेंगे नहीं, इस पर विचार करिए, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होगा। संगठनात्मक उद्देश्य है, संगठन के लोगों से मिलना जुलना, बात करना। इस के चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां भी जो है रन में चल रही है, इसमें भाजपा भी जो है आती है, लेकिन विगत कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है कि कई लोग जो है, जैसे कि आपके पार्टी के लोग मंत्री या विधायक छोड़कर के अन्य पार्टी में गए हैं, उन्होंने सीधा सीधे एक आरोप लगाया है कि ओबीसी के का जो है उन जो है उनका मतलब कहा जाता है खट्टे हैं। अभी तक 5 वर्ष तक मंत्री रहे तो अहमियत थी, जनता के बीच जाना है तो कोई न कोई डाल चाहिए, हमेशा अवसरवादी लोग हैं, और ये अपने हितों के लिए दद बदलते रहते हैं, लोग इनको जान गए हैं, तो इसका जवाब जनता इनको देगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।